अभी हम निकल पड़े हैं चप्पल के लिए। चप्पल का हमारा यह सफर चालू हुआ था कोकरनाग से, और अचपल होके हम लोग जा रहे हैं चप्पल। चप्पल कोकरनाग से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। चप्पल पहलगाम और कोकरनाग दोनों जगहों के नजदीक है, और यह अनंतनाग जिले के अंतर्गत आता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर चप्पल सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही शांत जगह है। ये घोड़े यहाँ के बहुत हेयर पिन बैंड खतरनाक वाला है आप हिल। ये कोकरनाग जिले तहसील के अंदर, कोकरनाग एक तहसील है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का तहसील है कोकरनाग। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ टूरिज्म रेस्ट हाउस लग रहा है। ओके ओके ओके, वो हट्स दिख रहे हैं ऊपर से, अभी आएंगे। लेकिन एक तसल्ली हो, प्योरेस्ट तो प्योरेस्ट क्वालिटी अखरोट खाया हमने। ये भी रेस्ट हाउस है, कॉटेजेस बने हुए। अगले कुछ सालों में ये जगह पॉपुलर भी हो जाएंगे, और पॉपुलरिटी के साथ इसके टूरिज्म भी बढ़ेंगे, और इतना अनटच नहीं रहेंगे, इतना अनटच नहीं रहने वाला ये जगह। तो अभी सही टाइम पे आ गए हम। आगे थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, ये रास्ता टूटा हुआ है इधर से। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, ठंडी भी बढ़ गई है। एक वो है पानी के प्रेशर से चक्की घूमती है आटा वाली। ओके, लड़के जो गए थे ना उनसे पूछना चाहिए। अभी जो गए थे मैं जस्ट सोच रहा था। ये अच्छा कि इन्होंने गाड़ियां पीछे रखवा दी हैं। हाँ, गाड़ी रहने के लिए रास्ता देखना, ये पूरा टूटा भी तो हुआ। ये फोर क्रॉस फोर का रास्ता है। हाँ, सैंडल्स पहन दिखाई दे। देखते हैं कहाँ तक जाता है। पहले उठे बैठे थे हम लोग, उधर बैठे थे ना इस वाले में। हाँ हाँ, इस वाले में बहुत ऊपर तक है यार। एक फैमिली नीचे दे। नो क्राउड, ये अच्छा लग रहा है। बिना क्राउड वाले प्लेस में जाके वैसे भी पूरा जगह आपके लिए होता है, लेकिन ये सब कहीं भी जाओ पैकेट कूड़े कचरे रहते ही है। इतनी हाइट पे यार, बल्ले बल्ले बल्ले, 7600 कल से ज्यादा हाइट पे, इसलिए ठंड लग रही है। 7600 फीट है ना, ऑल्टीमीटर से देख रहे हैं। हाँ हाँ, बट चलने में भी मजा है ना। नहीं, नहीं होना चाहिए राइट। अभी कम टूरिज्म में भी पॉलीथीन रैपर सब गिरे पड़े। हाँ गिरे पड़े, अभी दिखाया सब बढ़ गया टूरिज्म तो पूरा कबाड़ का ढेर हो जाती है जगह। राइट राइट, मैंने हर जगह जहाँ जहाँ गया वो तो देखा ही है। भैरवकुंड में भी, भूटान के फुटहिल्स में एक जगह है भैरवकुंड, वहाँ का जो मेन पिकनिक स्पॉट है ना, इतना सीनिक है, लेकिन वहाँ पूरा पैसे तो लेते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, एंट्री टैक्स लेते हैं, सफाई कोई नहीं करता, किसी का जिम्मेदारी नहीं है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। उसको सफाई से रखे तो अच्छा लगता है सबके लिए भी। गंदे जगह में ना तो आपको ना तो मुझे बैठने का कोई मज़ा नहीं है। इधर तो पिकनिक का मस्त स्पॉट है, क्योंकि इधर हवा भी कम लगता है, दोनों साइड पहाड़ से ढके हुए हैं, ये बीच में, तो विंड का मतलब स्पीड भी कम रहेगा, तो उस हिसाब से बॉनफायर लाइट करने के लिए बहुत सही जगह है पिकनिक के लिए। और रात की कैंपिंग।
रात की कैंपिंग का भी मस्त हो गया। चीजें अगर यहाँ शुरू हो गई हाँ बहुत जल्दी गंद। ये सब कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड जगह है, लेकिन इसको अनएक्सप्लोर्ड ही रहना है, ज़्यादा कमर्शलाइज होने से भी प्रॉब्लम है। यहाँ आराम से कैंपिंग सेटअप हो सकता है। सो दिस इज प्रॉपर चप्पल। बाकी तो हट सी सीखे सारी हैं। थोड़े देर में जाते हैं उधर अंदर तक। वो हट बने हुए क्या पानी चक्की वाले? हाँ, बिल्डिंग के अंदर जाता पानी डायरेक्ट किया हुआ है, वहाँ से चक्की घूमती है। टर्माइट लगा हुआ है इसको लकड़ी पर। कीड़े खा गए लगते हैं। लोग यार जो लाते हैं ना ठीक है खाओ, लेकिन उसको अपने साथ ले जाओ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वो मतलब बाय डिफॉल्ट हो गई यार वो चीज़ की। हाँ जहाँ खा लिया वहाँ फेंक दिया, समझ रहे। अब ऐसे जगह पे भी है ये प्रॉब्लम, तो दिस इज टू बिग बिग अ प्रॉब्लम। बोलने के भाई लोग पढ़े लिखे कम है, सीरियस प्रॉब्लम। हाईली एजुकेटेड लोग ये काम करते हैं। काओ के भी मजे है, मजे तो नहीं है हमें मजे लग रहे हैं। मजे है, चिल्ड लाइफ है, चिल्ड लाइफ। इन भालू वालू शिकार कर देते होंगे इनका कभी कभी। अरे यहाँ तो भालू भी आ सकता है ना, आते ही होंगे। अड़ू में जाते हुए बियर प्रोन एरिया है वो, वाइल्ड बियर। ऐसे ही पत्थर वाले पहाड़ है अड़ू जाते हुए, तो वहाँ कॉशन के लिए कॉशन नोटिस दिया हुआ था। यहाँ में वाइल्ड एनिमल्स आते होंगे लेकिन पता नहीं सही में उनसे खतरा है कि नहीं, लेकिन कैंपिंग के लिए आइडियल लोकेशन है। देखिए ये जो घास है, इधर आसानी से कैंपिंग की टेंट बिछाया जा सकता है। कैंपिंग के लिए आइडियल लोकेशन है, एकदम आइडियल लोकेशन, नेचुरल कैंपिंग ग्राउंड। कैंपिंग ग्राउंड तो नहीं, स्पॉट्स। नज़दीक पहुंच गए ना। अच्छा हाँ, ये वाला स्पॉट ज़्यादा पॉपुलर हुआ सबन आज़मी के एक पोस्ट से, है ना। ये नहीं पता कि उसी ने पॉपुलर किया, तो शूटिंग के लिए आई थी यहाँ पे। लेकिन हर जगह वही मेंशन मिलता है मुझे, वो लोग जाते तो है, ट्रैक बना हुआ पूरा। हाँ हाँ, ये मतलब प्रॉपर ट्रैक है। कहाँ तक जाना पता चला, कहीं दूसरे वैली पहुंच गए। पता लगा पहलगाम पहुंच गए, पहलगाम पहुंच गए। एक पहाड़ पार हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन ट्रैक रूट बना हुआ और अच्छा खासा बना है, ऐसा भी नहीं एक दो लोग हो गए, वाइड रूट है, अच्छा खासा ट्रैक है। बहुत एक घंटा तो लग ही जाता है, काफ़ी दूर आ गए। तो फाइनली ट्रैक तो नेवर एंडिंग जैसे लग रहा है, ऊपर तक कहीं और जा रहे हैं। इसी में ट्रैक को इधर ही रोकते हैं, इधर थोड़ा बैठते हैं इस लोकेशन में। कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं इधर, रेस्ट करके फिर वापसी। ये मस्त जगह बैठा हुआ पूरा फ्लैट। हाँ ये अपन का स्नैक्स। बताओ ना खुद के पतीसे के बारे में। तो बहुत देर से चटपल के इसी लोकेशन में बैठे हुए थे, थोड़ा स्नैक्स वैक्स खा के रेस्ट ले लिया। तो अभी यहाँ से चलने का टाइम हो गया, अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे इस वैली में तो सनसेट हो ही गया, ऑलमोस्ट सनसेट। तो जाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा यहाँ से। अभी ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, निकलते हैं यहाँ से। ये लोकेशन लैंडस्केप फोटोग्राफी या नेचर फोटोग्राफी, इनके लिए भी आइडियल लोकेशन है। बहुत सारे व्यूज़ है, कई सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, कई सारे एंगल्स मिल जाएंगे। देखिए एकदम आइडियल लोकेशन है फोटोग्राफी के लिए, कहीं भी खड़े हो जाइए, पूरा जगह आपके लिए। सो दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर ऑल दोस ट्रेवल फोटोग्राफर्स। और यहाँ डिस्टर्बेंस एकदम नहीं है, डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है।
टेक योर टाइम, एंजॉय द व्यू एंड हैव अ फ्यू क्लिक्स ऑफ योर ओन। तो इसी के साथ आज के इस ट्रेवल ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है ये चटपल का जो ब्लॉग है ये सबको पसंद आएगा और आप लोग भी विज़िट कीजिए, इट्स वर्थ विजिटिंग। और हाँ, टाइम लेके आने में फ़ायदा है चटपल में, क्योंकि ये ट्रैक बहुत लंबा है।